इसराइल हमास युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से जंग में कई मोड़ देखे गए। जंग के शुरुआती दौर में ऐसा लगने लगा था कि अब नेतन्याहू की फौज गाजा पर कब्जा कर लेगी और नेतन्याहू की कसम पूरी हो जाएगी। लेकिन जंग जैसे जैसे आगे बढ़ी उसमें नए नए पड़ाव आते गए और अब ऐसा हो गया है कि इसराइल की सेना के लिए ये जंग एक बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हमास और उसके प्रतिरोधी गुट मिलकर IDF के नाक में दम किए हुए हैं, उससे एक बात साफ है कि जंग की दिशा बदल सकती है। इसराइल चुन चुन कर हमास के कमांडर्स और लीडर्स को मार रहा है। इसके जवाब में हमास और प्रतिरोधी गुट इसराइल पर भयंकर तरीके से हमलावर है। लेबनान का हिजबुल्ला आए दिन IDF और उत्तरी इसराइल पर हमलावर है। साथ ही गाजा के जिस इलाके में इजरायली सेना आगे बढ़ चुकी है, हमास के प्रतिरोधी गुटों की वजह से उसे वापस वहीं आकर फिर से लड़ाई करना पड़ रहा है। और फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे वाली सेना के खिलाफ लड़ाई और घात लगाकर हमले करना जारी रखा है। इसी कड़ी में फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों ने गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे वाले बलों द्वारा कब्जा किए गए ठिकानों पर एक और हमला किया। हमास के अलकसम ब्रिगेड ने गाजा और रफा से लगे शहर अल जैतून में इजरायली बलों पर जबरदस्त हमला किया। ये हमला इतना घातक था कि इसमें करीब 12 सैनिक घायल हो गए और एक सैनिक की जान चली गई। इस बात की पुष्टि खुद इजरायली रेडियो ने की है, जिसने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही अलकसम ब्रिगेड ने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर इस हमले के बारे में जानकारी दी। अलकसम ब्रिगेड ने घोषणा की है कि उसने गाजा शहर में अल जैतून पड़ोस के दक्षिण में घुसपैठ करने वाले दुश्मन बलों के साथ भीषण संघर्ष में लगे हुए थे, जिससे उनके बीच कई लोग मारे गए और घायल हुए। घायलों को निकालने के लिए एक यासूर हेलीकॉप्टर उतारा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में घायल हुए सैनिकों को बेरशेबा, तेल अवीव और कब्जे वाले यरूशलम के अस्पतालों में ले जाने के लिए कथित तौर पर 5 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने भी जैतून पड़ोसी देश के दक्षिणी हिस्से में इजरायली बलों के साथ भीषण झड़पों में शामिल होने की सूचना दी, जिसमें उन्होंने इजरायली बलों पर मोर्टार के गोले से निशाना बनाया। वहीं अलकसम ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने रफा के तेल अल सुल्तान पड़ोस में कमाल अदवान स्कूल के अंदर तैनात एक इजरायली बल को एंटी पर्सनल शेल से निशाना बनाया। उनके साथ नजदीकी मुठभेड़ की और हताहत हुए। इसके साथ ही ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने उसी पड़ोस में 105 अल यासीन गोले और एक टेंडम शेल के साथ 4 इजरायली मरकबा टैंकों को भी निशाना बनाया।